चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम देसी खाना। आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार से बहुत सिंपल आसान तरीके से बॉयल राइस। और ये मेरे पास चावल हैं, ये मेरे पास बासमती चावल हैं और ये क्वांटिटी में जो है 1 किलो हैं। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन चावलों को अच्छे से साफ करके इनको मैं वॉश करूँगा। और एक चीज़ का खास ख्याल रखा करें, जब भी आप चावल वॉश करते हैं इनको अच्छी तरह वॉश किया करें, क्योंकि इनके ऊपर पॉलिश हुई हुई होती है, देखें जो शाइन आ रहे हैं जिससे, तो ताकि वो पॉलिश जो अच्छे से रिमूव हो जाए। और उसके बाद इन चावलों को मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में डिप करूंगा ताकि ये अच्छी तरह जो है जो कुक होने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा। वॉश करने के लिए मैं एक बड़ा बाउल लूंगा प्लास्टिक का और इसमें मैं सारे चावल इसमें ऐड करूंगा ताकि जो चावल हैं अच्छे से वॉश हो जाएं। अब मैं इनको वॉश करता हूं। अब ये मैंने पानी का टैंक जो है वो खोला हुआ है और इसको चावलों को अच्छी तरह से, देखें आप इस तरीके से आपने रब करना है ऐसे, ताकि चावल अच्छे से, ये देखें आप पानी का जो कलर है, ये देखें आप किस तरह ये मैला सा पानी निकलना शुरू हो गया। इसको मैं अच्छी तरह वॉश करूँगा। चावलों को मैंने अच्छी तरह वॉश किए और वॉश करने के बाद मैंने इनको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है तो डिप इन पानी के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह जो है ये चावल जो है कुक होने के लिए रेडी हो जाएं। अब जितनी देर में ये चावल भी थोड़ी मज़ीद रेडी होंगे उतनी देर में मैं जो चावलों का जो पानी है उसको बॉयल होने के लिए रखता हूँ। अब एक कढ़ाई में मैं पानी ऐड करूँगा। पानी आप इसमें इतना ऐड करेंगे जितना चावल इजीली इसमें बॉईल हो जाए। मैं इसमें तकरीबन 1 से 2 जग पानी का ऐड कर रहा हूँ। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगा। नमक मैं इसमें तकरीबन जो है 1 से 2 टेबलस्पून के नमक ऐड करूँगा। ये टीस्पून है इसलिए मैंने 4 टीस्पून डाले हैं। और उसके बाद मैं इसमें सिरका ऐड करूंगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। उससे ये होगा कि चावल हैं वो बहुत अच्छे से जो है खिल उठेंगे। और अब मैं इसमें 1 सर्विंग स्पून मैं इसमें ऑयल का ऐड करूंगा। अगर आप सिरका नहीं डालना चाहते तो आप बेशक ना डालें, आप इसमें नींबू भी आप डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून में इसमें डाला है मैंने, इसमें 1 सर्विंग स्पून मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल का। और अब मैं इसको बॉईल होने के लिए रखूंगा, मगर उससे पहले मैं इसमें जो हल्दी ये इसमें ऐड करूंगा, ये 1 पिंच के करीब में इसमें ऐड करूंगा, ज़्यादा नहीं। वो इसलिए कि अगर पानी में कुछ जर्म्स हो या कुछ हो तो वो ईजिली किल हो जाए। अब मैं पानी को बॉयल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। इसको मैं अब ढक दूंगा। चावलों का पानी बेहतरीन किस्म का बॉईल हो चुका है माशाल्लाह। और अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगा। ये देखें चावल बेहतरीन किस्म के माशाल्लाह सूख हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा चावलों को बहुत एहतियात के साथ। जो बर्तन जिसमें भिगोया था उसको अच्छी तरह साफ करूंगा ताकि कोई भी चावल का दाना बाकी ना रह जाए,
रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अब मैं इसको मिक्स करूंगा। और अब जो है इसमें इसको मैं खुले मतलब इसके ऊपर मैं ढकूंगा नहीं, ढक्कन नहीं रखूंगा इसके ऊपर, इसको मैं ऐसे ही ओपन पकाऊंगा। मैं अगर आप बिरयानी के लिए, काबली पुलाव के लिए अगर चावल बॉईल कर रहे हैं तो आप उसमें तकरीबन इसको एक कनी जितने जो चावल हैं वो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी चावल जो है वो जब तह लगाते हैं बिरयानी की या काबली पुलाव की तो उसमें वो चावल रेडी हो जाएंगे। और अगर दाल चावल के साथ, दाल के साथ या हलीम के साथ किसी भी चीज़ के साथ चावल खाएंगे तो वो आपको 100% इसमें ही कुक करना पड़ेंगे। ये देखें ऑयल डालने से चावलों में कितनी प्यारी शाइनिंग अभी से आना शुरू हुई है, देखें आप। और सिरका या नींबू डालने से चावल आपस में चिपकते नहीं है। अक्सर हम देखते हैं चावल जब हम बनाते हैं तो वो चिपक जाते हैं, अगर आप उसमें सिरका या नींबू ऐड कर देंगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं, वो एक दूसरे से अलग रहेंगे और खिले खिले से रहेंगे। देखें एक एक दाना अलग है। चावल हमारे दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब जो चावलों का जो पानी है वो मैं स्ट्रेन कर लूँगा बहुत एहतियात के साथ। एक स्ट्रेनर या अगर कोई बास्केट है आपके पास वो रख लें। ये एक स्ट्रेनर में मैंने रखा है और चावल मैं इस तरीके से अपने बहुत एहतियात के साथ मैं इसमें ऐड करूँगा और चावलों को मैं इस तरीके से स्ट्रेन कर लूँगा। और ये देखें चावल माशाल्लाह। अब मैं चावलों को दम लगा दूंगा तकरीबन 10 मिनट के लिए और उसके बाद मैं अपने चावल आपको सर्व करके बताऊंगा। ये तकरीबन 5-10 मिनट के बाद चावलों का दम मैंने हटा दिया और देखें चावल माशाल्लाह बहुत प्यारे किस्म के, देखें माशाल्लाह एक एक दाना अलग है माशाल्लाह। ये देखिए अब मैं इनको कुछ देर ऐसे हवा लगाऊंगा ताकि जो चावल मजीद जो है वो खिल उठें। ये देखिए माशाल्लाह अब मैं अपनी सबको सर्व करके बताता हूँ। जी मज़ेदार से मेरे बॉइल्ड राइस बिल्कुल रेडी है। मैं इसके साथ चने की दाल खाऊंगा और साथ अचार, मिक्स अचार जो है इसकी भी रेसिपी, इन दोनों की रेसिपी जो है मैं आई कार्ड में दे दूंगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना अपने घरों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। और ये देखें चावल के दाने बिल्कुल अलग अलग है, कैमरा शायद फोकस नहीं कर रहा, ये देखें एक एक दाना अलग है, बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।